मैं उससे निकाह करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कल तुम काजी लेकर आ जाओ, फारिया पहुंच जाएगी। लगता कि आपने बात बिगाड़ दी। वो अगर सच में पीछे हट गया तो, और अगर उसने आपके झूठ को सच मान लिया तो हम इस घर से भी हाथ धो बैठेंगे। तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं? सकलैन कितना चालाक है ये तो आप भी जानती हैं। अगर सकलैन चालाक होता ना तो हमारी झूठी कहानी पर आंख बंद करके यकीन ना करता है। हमने उसे क्या कहा था? हम नवाब शाह के बड़े जमींदार की धुतकारी हुई दुखी औरतें, और उसने फौरन यकीन कर लिया और तस्दीक भी नहीं की। और अगर उसने अब तस्दीक कर ली तो? असल में तुमने अपनी माँ को हल्का लिया हुआ है। मैंने बहुत मौका देख के निशाने पे तीर लगाया है। वो तुम पर दिलो जान से मरता है और अपनी बीवी से इंतहाई बेजार है। इन्हीं दोनों बातों से फायदा उठाने का तो वक्त है ये। वो देखो फोन आ गया। उठाए उठाए। हेलो, फारिया का फोन क्यों बंद है? तो बेटा वहाँ सिग्नल इशू होगा ना, और वैसे भी तुम उससे बात करके क्या करोगे बच्चे? मैंने तुम्हें बताया तो है कि उसकी शादी होने वाली है और मैं भी जा रही हूँ वहाँ। ऐसे कैसे वो किसी से भी शादी कर सकती है? जरूर आपने जबरदस्ती की होगी उसके साथ। आप फारिया को फौरन वापस बुलाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फारिया को क्या कहकर बुलाऊं और क्यों रोकूं उसका घर बसने से? क्या मेरी बेटी का हक नहीं है वो इज्जत से जिंदगी गुजार सके? वो हक उसे मैं दूंगा। और क्या गारंटी है कि वो आपका लैंडलॉर्ड उसको हक देगा? उसने तो कई साल पहले आपको आपके हक से अलग किया। हो सकता है ये उनकी कोई चाल हो आप दोनों का हिस्सा अपने नाम लगवाने की। देखो सकलैन, कुछ देखने और सुनने के मूड में नहीं हूँ। जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। फारिया को जल्द अज जल्द वापस बुलाइए, जब वो वापस आ जाए तो मुझे बताइए, मैं उससे निकाह करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कल तुम काजी लेकर आ जाओ, फारिया पहुंच जाएगी। ठीक है। हार है काजी। आपको तो वाकई हल्का नहीं लेना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें कहा था।